आधुनिक युग में जब कोई भूत प्रेत की बात करता है तो उस पर सहज ही विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की बातें लोग मजाक में ले लेते हैं। मिर्जापुर में अहरोरा थाना क्षेत्र के रामपुर डबही स्थित सघा ग्राम सभा में एक परिवार में अजीबोगरीब घटना हो रही है। जिले में एक घर ऐसा है जिसमें कभी भी आग लग जाती है। ये आग कभी चारपाई, कभी बेड तो कभी घर के किसी भी सामान में लग जाती है। अचानक दिन में आग कहीं भी जलने लगती है। ये घटना पिछले 15 दिनों से एक घर में ही लगातार हो रही है। दिन में कई बार आग लगने से कुछ लोग इसे भुतहा घर मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे सोची समझी साजिश मान रहे हैं। घर में आग लगने से गांव में दहशत का माहौल है। 27 से जल रही है आग वाली, यहाँ की सामान वहाँ जाकर जल रही है। घर में जितनी गल्ला पताई है सब जल चुका है, कोई थोड़ा कोई ज्यादा और पूरा जल चुका है ऐसे कर करके। और जितना बिस्तर घर कोई पूरा ऐसे करके पूरे में दाग लग चुके हैं। कोई पहनने लायक नहीं है, ओढ़ने लायक नहीं है। और यहाँ की सामान जिस घर में जूता चप्पल या कोई वस्त्र बढ़िया सा रखा है उसे छत पर जाकर जलाया जा रहा है। और पैसा जो था घर में वो भी जल। पूरी घटना बताइए। पूरी घटना की हम गए थे उस पूर्वे पे तो हमको सूचना मिला कि कोई पटेल जी का घर है, उनके घर में लगातार आग लगती चली जा रही है। हर 10 मिनट 5 मिनट को आग लग रही है और पानी छिड़कने पर तुरंत बुझ जा रही है, लेकिन फिर 10-5 मिनट पर आग लग रही है। और एक दिन में लगातार 15 बार 20 बार आग लग रही है केवल दिन में, शाम होते ही और रात भर कुछ नहीं, और सुबह होते ही और शाम तक लगातार आग लग रही है। क्या उसके घर में जितने भी चीज़ रखे हुए हैं, जैसे खटिया है, बिस्तर है, कपड़ा है, बच्चों का सामान है, खिलौना है, चरपाई है, मड़ई है या अनाज है, सब में आग लग रहा है। हालांकि आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जो भी इस घटना को सुन रहा है इसे भूत प्रेत बाधा से जोड़कर देख रहा है। लोग इसे भूत प्रेत बाधा की संज्ञा देकर कोई इनके घर आग बुझाने भी नहीं जा रहा। घर के लोग इस रहस्यमयी आग से सहमे हुए हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आग कैसे लग रही है। क्या ये किसी की साजिश है या फिर कोई आत्मा ने इस घर पर साया डाल रखा है? अब इस घर में आग लगने के पीछे का क्या राज है कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस आग ने जहां घर में अपना तांडव मचाया हुआ है वहीं गांव के लोग दहशत में हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से बृजलाल मौर्य की रिपोर्ट।